देखिए ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का कई राज्यों में कोरोना के दूसरे चक्र की शुरुआत हो गई है और हम लोग अभी आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, वित्त सचिव, स्वास्थ्य सचिव, आपदा सचिव और मैं उस बैठक में शामिल थे। हम लोग लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि राज्य में कैसे कोरोना के संकट के दूसरे चक्र को कैसे रोका जाए और अभी अचानक कुछ थोड़ी वृद्धि हुई है, आंशिक वृद्धि हुई है, 796 अभी तक एक्टिव मामले हैं, तो हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है कि हम कैसे करके अपने वैक्सीनेशन के केंद्रों को बढ़ाएं, उनको और मजबूती से लागू करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जांच करने की कार्रवाई तेज गति में करेंगे और जो भी राज्य के विभिन्न ऐसे मार्ग हैं जहां आवागमन बहुत तेज है राज्य के अंदर और विशेष करके महाराष्ट्र से आने वाले लोग जो हैं उस तरफ में भी हम लोगों को थोड़ा जांच करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं और कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर समझदारी और सावधानी से इस समस्या के समाधान के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुंबई के लोग जब आएंगे तो उनकी चेकिंग होगी, जांच होगी मुंबई से जब कोई आएगा? नॉट ओनली मुंबई, चूंकि मुंबई में कोरोना का ज़्यादा प्रभाव देखा गया है, बल्कि और भी जो राज्य के बाहर के लोग आएंगे उनको भी हम जांच के दायरे में लाएंगे और राज्य में भी जहाँ जहाँ पर हमको ज़्यादा जांच करने की ज़रूरत है जांच करेंगे और विशेष करके रांची, जमशेदपुर इन क्षेत्रों में भी जो है ज़्यादा एक्टिव केस हैं, तो यहाँ भी हम समीक्षा करेंगे, बहुत सूक्ष्म मूल्यांकन करेंगे कि यहाँ पर क्यों और किस किस इलाके में ज़्यादा मामले हैं। नहीं देखिए, होली मैंने पहले भी कहा कि पर्व त्यौहार मनने चाहिए, हम मनाने के पक्षधर हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मनाओ जश्न बहारा इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर ना जले। ऐसा पर्व नहीं मनाना है या ऐसा उत्साह नहीं करना है जिस उत्साह से मानवीय मूल्य जख्मी हो जाएं, मानवीय मूल्य प्रभावित हों। तो अभी इस विषय पर जितने भी जुलूस वगैरह हैं उस पर रोक लगी हुई है और अभी हम लोग जल्द ही इस मैं जल्द ही हम SOP जारी करेंगे ताकि आगे जो है आपको इस विषय के दिशा निर्देश मिल जाएंगे।